हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल ईजी बायोटीच पर लेके आई हूँ उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट। हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हुआ है 11 अक्टूबर से और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 नवम्बर। फीस पेमेंट के भी लास्ट डेट 1 नवम्बर है और जो हमारी करेक्शन डेट है वो है 5 और 8 नवम्बर और जो एग्ज़ाम डेट दी गई है वो है हमारी 19 जनवरी 2025। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए हमारी जो फीस है वो है 300 रुपीज़। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 150 रुपीज़ यहाँ पे हमारी फ़ीस है। टोटल हमारी जो पोस्ट हैं वो आई हैं 751। मिनिमम एज इसके लिए है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो है 42 ईयर्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेरियस पोस्ट। सबसे पहले है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं 465 पोस्ट और यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए। उसके बाद एमईटी पोस्ट, उसके लिए जो टोटल वैकेंसी हैं वो हैं 268। यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 12th होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट आई हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 12th होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, 4000 की डिप्रेशंस पर हावर एंड एमएस ऑफिस नॉलेज, और एमएस ऑफिस की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट कम रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट, यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 3। यहाँ पे 12th होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और ऊपर वाला जो ऊपर वाली पोस्ट में दी गई है सेम वही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, जो एमएस ऑफिस है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, 4000 की डिप्रेशन पर हावर ये क्या होनी चाहिए, उसके पास होना चाहिए, मतलब उसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए और एमएस ऑफिस की क्या होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 5। यहाँ पर किसी भी रिकोगनाइज बोर्ड से 12th होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउसिंग इंस्पेक्टर, यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुपरवाइज़र की वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी 6। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यहाँ पे हमारे पास 12th होनी चाहिए। ज़्यादा एलिजिबिलिटी डिटेल्स के लिए मैं जो कम्प्लीट नोटिफिकेशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो उसको। ये थी हमारी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट। अब हम देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए जैसे कि बैचलर्स की सर्टिफिकेट्स वगैरह, 12th की सर्टिफिकेट वगैरह, कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस डिटेल्स होनी चाहिए और हमारी जो बेसिक डिटेल्स है जैसे कि नाम हो गया, ये सब हमारे पास क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। फिर हमारे पास फ़ोटो, साइन और आईडी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके हर एक कॉलम में उनको फिल करते जाएंगे और अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक।